पौड़ी की पुलिस और आबकारी विभाग ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। संयुक्त टीम ने खेत से 28 बोतल अवैध शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। वही तस्कर के वाहन को सीज कर दिया गया है। राजस्व विभाग को लंबे समय से क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी की शिकायत मिल रही थी। पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ एक संयुक्त टीम गठित कर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस को खेत में एक वाहन से 28 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। टीम ने तस्कर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। नायब तहसीलदार हरेंद्र खत्री ने बताया कि आरोपी तस्कर लंबे समय से शराब तस्करी को लेकर क्षेत्र में अवैध गतिविधियां संचालित कर रहा था, जिसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पौड़ी से मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। जैसे ही मुखबिर खास के द्वारा सूचना दी गई कि पोखरी खेत पातल में अवैध शराब बिक्री करते हुए एक वाहन जा रही है, इसी सूचना पर हम तुरंत मौके पर गए और मौके पर जो है काफी भीड़ भाड़ और शांति भंग होने का अंदेशा होने के कारण जो है आबकारी निरीक्षक भी मौके पर पहुंच गए थे। हमने उक्त वाहन को पकड़कर आबकारी निरीक्षक के हैंड ओवर कर दिया था, सीज कर दिया गया है। माल को जो है काफी ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए थे, उनको समझा बुझा करके जो है हम मुजरिम को अंदर कर दिया है, अरेस्टिंग करके जो है आबकारी निरीक्षक के हैंड ओवर कर